शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से बहुत दिनों से श्रद्धा की आंखों में देख रहे थे कि उसे आपके पास आके रहने का मन कर रहा है, तो बस हम उसे ले आए। यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है मम्मी, कि आखिर मम्मी जी के मन में चल क्या रहा है। नाम रितु है, अभय की बुआ और इस घर की बेटी। नमस्ते। आपको पहले कभी हम देखे नहीं यहाँ पर। कैसे देखा होगा आपने? आपके आते ही हमें नीचे वाली मंजिल पे जो भेज दिया। हमारा मतलब है कि हम जो नीचे वाली मंजिल है ना, वहाँ रहते हैं। पहली बार कानपुर आना हुआ होगा ना आप लोगों का? वैसे कुछ खास काम से आए हैं या यूं ही हमारी तनुजा भाभी से मेल मिलाप के लिए चले आए? हमारा मतलब है आए हैं। अब तो हम पार्टी के लिए आए हैं। हाँ? हाँ। अब हमारा बिटवा ना बहुत से भोला है, कुछ भी बोल देता है। वो कहा ना इसके लिए लड़की देखने आई है यहाँ कानपुर में। तुम रही औरतों के बीच में का काम है? अरे मन नहीं लग रहा तो जाओ बाहर टहल के आ जाओ। इससे पहले कि बुड़बक कुछ और बक दे, इसको निकाले यहाँ से। हाँ तो हम क्या कह रहे थे आपको? कुछ भी नहीं, अभी तक तो आपने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं हमें। अच्छा, कुछ कहा नहीं? अरे तो आप बता देते हैं। बताइए बताइए। का बताएं, हम बस किस्मत के बहुत धनी हैं माता रानी की कृपा से। और गांव में तो लोग कहते हैं कि लक्ष्मी के दिल में इतना प्यार भरा हुआ है कि वो तो लक्ष्मी देने में भी नहीं हिचकती है। और उधार भी बड़े प्यार से देती है। भाई भाई क्या कर रहे हो यार? तू उधारी लेके कानपुर चला आएगा? तू मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुमको हम ऐसे छोड़ देंगे बे? ऐ देखो लोग देख रहे हैं यार, क्या कर रहे हो यार? बातें तो आप बड़ी मीठी मीठी करती है, कुछ हमारी तरह और कुछ इस मिठाई की तरह। कहाँ थी आप इतने वक्त से? जहन्नुम में भी रहेगा ना तो तुमरा से हम पैसा निकलवा लेंगे बे। कहाँ यार? ओए, क्या सड़क में तमाशा बना रखा है? कहा भैया, कौनो दिक्कत बा? ये दो भाइयों के बीच में काहे फुदक रहे हो यार? अरे ये प्यार मोहब्बत का मामला है, प्यार मोहब्बत में ही निपटाए लेंगे। प्यार वो साइड में दिखाओ ना, मेरी बाइक में दिखाएगा क्या? अरे तुम जाओ यार। कैसे कैसे लोग आ गए कानपुर में? अरे बात तो सुनो। कहा है ना, तुमको एक बात बताते हैं, ये जो सब्र का फल होता है ना, ये बहुत ही मीठा होता है। तुमको एक बात बताएं, तुम्हारे भैया की लॉटरी लगी है।
श्रद्धा ता श्रद्धा ना पूरी जिंदगी मुझे आगे पीछे घुमाने वाली है इतनी रात को भी कमरे में नहीं है इतनी रात को मैडम नहा रही कितनी बार बोला है मैंने तुम्हें रात को मत नहाया करो अब बीमार हुई तो मेरे पास मत आना कोई भी बात नहीं मानती है कितनी बार बोला है रात को नहीं नहाया तुम कौन हो और तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो चलो निकलो यहां से सुना नहीं तुमने मैंने बोला निकलो यहां से वरना मैं ऊपर से उठो सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें मैं बोल रहा मेरे ऊपर से उठो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा तुम पागल आगल हो क्या उठो थी तुम ये कौन है ये बिना मेरे इजाजत के मेरा बाथरूम यूज कर रही थी मम्मी जी के मेहमान आए ये उनकी सहेली की बेटी है वो क्या है कि हमारे कमरे के बाथरूम में हमारा छोटा भाई डेरा जमा कर बैठ गया है अब हम क्या करते तो हमें यहाँ पर खाली दिखा बाथरूम तो हम यहाँ पर आगे नहाने और क्या हुआ पता है जैसे ही हम नहाकर निकले तो हमारा पैर पानी से फिसल गया वो तो अच्छा हुआ कि आपने हमें संभाल लिया वरना पता नहीं आज क्या हो जाता हमारे साथ शरीफ आदमी की निशानी होती है ऐसे गुस्सा आ जाना है ना श्रद्धा फिर कभी अगर बाथरूम की जरूरत पड़े तो आरती के कमरे का बाथरूम इस्तेमाल कर वरना पति पत्नी के बीच या उनके कमरे में कोई भी आए ये अभय को बिल्कुल पसंद नहीं है इस कमरे में टिकेगी और कौन नहीं ये तो तुम्हें बहुत जल्द ही पता चल जाएगा जबान संभाल के पायल जबान क्या अब तो अभय जी को भी हम संभाल लेंगे इस घर में इस कमरे में और अभय की जिंदगी में बहुत जल्द तुम्हारे दिन खत्म अब तो हमारे दिन शुरू ऐसे घुरने से हमारी बात बदल थोड़ी ना जाएगी अब तो तुम्हारे बोरिया बिस्तर समेट के जाने का समय आ गया है जय राम जी की बड़ी आई हमें निकालने वाली हाँ चलो नहीं चलो चलो राम का नाम जपना अब तुम शुरू कर दो छोड़ हमें कह रहे ना छोड़ो हमें वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा We'll be right back.
श्रद्धा क्या हुआ? इन पायल जी का ये दावा है कि ये इस घर में मेरी जगह लेंगे। आपकी पत्नी बनेंगी, इस घर की बहू बनना है इन्हें। और ये धमकी भी दे रही है कि मुझे इस घर से बाहर निकालेगी। अरे जीजी, हमारी लॉटरी तो लगने देती, ऐसी कहाँ जल्दी थी तुमको ठकुराइन बनने की। मम्मी ये सब क्या है? बेटा वो हम ये देखा बउआ, भाईलिया यहाँ पे आके भी अपना मजाक शुरू कर दिया। अरे ये हमारी बेटी पायल है ना, इसको ऐसे नए नए पति पत्नी के बीच में जाके मजाक करने में बहुत मजा आता है। बोलती है कि अम्मा ऐसे पता चल जाता है कि पति पत्नी के बीच में कितना प्यार है। बोलो, अरे पगली थोड़ा दिन रुक जाती ना, है इन लोग से दोस्ती हो जाता। हाँ। इन लोग तुमको पहचान लेते तब तो तुम्हारा मजाक समझते, ऐसे का है दोनों के बीच में गलत फहमी पैदा करने पर तुलियो है एकदम बुद्धू। श्रद्धा तुम बिना कोई कुछ भी बोलेगा तो तुम मान जाओगी। अच्छा चलो, बहुत देर हो गई है, थोड़े चलते अंदर। अरे हाँ हाँ, तुम दोनों जाके सो जाओ क्योंकि कल सुबह सुबह घर की बहू के हाथ से नवरात्रे का भोग भी तो बनना है। हाँ जाओ जाओ सो जाओ। चलो बेटा, लगता है हमने तुम्हें ठीक से समझाया। ये जो हमारा बेटा है ना भाई, इसके दिल में जगह बनाना मतलब पत्थर तोड़ना, और श्रद्धा इसके दिल में पत्थर की लकीर है, इसे मिटाने में बहुत मेहनत लगेगी, इसीलिए जल्दबाजी में कुछ भी नहीं, दिमाग से काम लेना ठीक है? बच्ची है तनु, तुम समझाओगी ना तो सीख जाएगी, और फिर तो हम तो हैं ही। वो श्रद्धा तुमने अपना बुरिया विश्वास बांध दिया ना, मैं मदद करूं? अबे मुझे यहाँ पर ना कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, पर आपको मजाक सूझ रहा है। श्रद्धा यार अब तुम इतना सीरियस मत हो जाना, अरे उसकी बातों से पता चलता है वो कितनी अतरंगी है। अरे उसे छोड़ो, उसका पूरा परिवार अतरंगी है। उसका भाई मुझे मिला था, सड़क पे लड़ रहा था किसी से। अभय, अतरंगी लड़कियों को ना मैं भी बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन ये पायल, इस पे मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं है। आपको पता है जो लड़की बाजार में मुझसे टकराई थी वो पायल ही थी। अरे यशोदा तुम कौन सी बात कहाँ खींच रही हो, ये बताओ कि तुम कहाँ चली गई थी बिना बताए? यही बताने तुम्हें वापस आई हूँ अभय। मम्मी जी बिना बताए बिना कुछ कहे वो मुझे मम्मी के घर छोड़ आई थी। मम्मी? ओ अब समझा। अरे मम्मी जी जानते हैं ना ये उनके खास मेहमान कितने खास हैं, और तुम परेशान हो जाती हो इन सब चीजों से, इसे तुम्हारे आराम के लिए तुम्हें घर छोड़ आए होंगे। नहीं अभय, पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि बात इतनी भी सीधी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अम्मा ये सीधी बनने वाली नौटंकी हमको नहीं आती है, जो हमारे मन में होता है वही हमारे जुबान पर भी होता है। तो तुम्हारी जुबान के कारण हम आता हुआ लक्ष्मी को लात मार देगा। अरे गांव नहीं है जहाँ तुम हर किसी को चक्कू दिखाकर अपनी बात मनवा लेती थी, इस शहर है शहर, यहाँ के आदमी जलेबी की तरह मीठे होते हैं,
तो उनको अपनी बातों की चाशनी में डुबा कर अपना बात मनवाना होता है, समझी? जाओ जाके अभय से मीठी माफी मांगो। क्या हम और माफी मांगे? हाँ, कतई नहीं। नहीं श्रद्धा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अब सो जाओ, वरना पता चले वो हमारे बीच में आके सो गई। बहुत हंसी आ रही है ना आपको अभी? बाद में जब पता चलेगा ना कि मैं सही कह रही थी, तो कोई बहुत देर ना हो जाए। इसमें समझना क्या है, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। चलो सो जाओ, सो जाओ। प्लीज हमें माफ कर दो, वो अम्मा ने हमें डांट डांट कर हमारे कानों से खून निकाल दिया है। हम आपको बहुत ज्यादा बोल दिए थे ना, माफ कर दीजिए ना, प्लीज माफ कर दीजिए। अरे यार पैर छोड़ो मेरे, पहले माफी तो दे दो। ये क्या पागलपन है, पैर छोड़ो अभय के। हमें जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है, और जब तक हमें वो चीज नहीं मिलती है तब तक हम उसे नहीं छोड़ते। तो पहले आप माफी दे दो और पैर ले लो। अरे पर तुमने मजाक तो श्रद्धा के साथ किया था ना, तो उसके पैर पकड़ो, उससे माफी मांगो, मेरे तो छोड़ो यार। पर गिरे तो हम आपके ऊपर थे ना जी, तो माफी तो आप ही दोगे ना। और हमें पता है कि आप अगर हमें माफ कर दिए तो श्रद्धा जी तो खुद ब खुद हमें माफ कर देंगी, है ना श्रद्धा जी? अरे यार माफ किया यार, अब तो मेरे पैर छोड़ दो। पक्का? हाँ पक्का पक्का, छोड़ो छोड़ो। काफी शरीफ आदमी है, फट से माफी भी दे दी। कहाँ मिलते हैं इतने शरीफ आदमी श्रद्धा जी, जरा हमें भी तो बताइए। बाय। अरे यार मम्मी कहाँ से लाई है ये मनोरंजन की दुकान? अरे यार अब कर तो दिया माफ मैंने इसे, अब क्यों आई है? दीदू दीदू दरवाजा क्यों खुला था? हम ना गुड़िया को सुलाने जा रहे थे, फिर हमें याद आया कि आपको तो गुड़िया के बिना नींद ही नहीं आती, तो हम इसे ले आए। लीजिए। कितना सोचती हो ना तुम अपने दीदू के बारे में। वैसे तुम हमारे नए मेहमानों से मिली क्या? तुम्हारे घर के मेहमान है, हम क्यों मिले? हमें नहीं मिलना। कल ना इन दोनों को मिलवा दूंगा, क्या बॉम्ब फटेगा, पायल तो उसका मुंह ही बंद कर देगी, बड़ा मजा आएगा। चलिए हम ना कुछ खाते हैं, मामा को बहुत भूख लगी है, देखिए क्या है ना सारा खाना। देखा गुड़िया, दीदू ने ना हमारे लिए इतना सारा खाना भेजा है, टेस्टी टेस्टी खाना।
हे माता रानी, इस घर की सुख शांति हमेशा ऐसे ही बनी रहे और आपका आशीर्वाद हम सब पर ऐसा ही बना रहे। अब जल्दी से जाकर नवरात्र पे चढ़ने वाले प्रसाद बना देती हूँ। अरे भाई, इतनी मेहनत से हमने इतना सारा खाना बनाया सजाया और बनाने सजाने वाले के लिए 2 मीटर शब्द भी नहीं है। कितनी नाइंसाफी है ये। हाँ बताओ तो आप हैं कौन? यही बात तो हम आपसे पूछ रहे हैं। आप हैं कौन, क्या कर रही हैं यहाँ पर? हमारे घर में खड़े होके आपको ये नहीं पता कि इस घर की मालकिन कौन है? क्या तुम हो कौन? यही बात तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हैं कौन, क्या कर रही हैं यहाँ पर? अरे जवाब तो दो, हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो हमारे घर में? अरे बुआ जी, आइए आइए। अब हम खुद की तारीफ कैसे करें, थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए ना हमारी। कौन है ये और ये ऐसे कैसे बैठ गई? ये कौन है बुआ जी, मुझे मुझे बताइए क्या बकवास कर रही है? कीर्ति गुस्सा नहीं, गुस्सा मत करो, ये मेहमान है, तनुजा भाभी की खास मेहमान। लग ही रही है कि उनकी मेहमान है। वैसे यहाँ क्या कर रही, इसे हमारे घर में आने की किसने इजाजत दी? तेरा घर मेरा घर इसका घर उसका घर ये सब लगा के रखा है? ये सारा का सारा घर तो हमारा है। ये क्या बकवास कर रही है बुआ जी? तुमने सुना नहीं कभी, जब मेहमान घर में आते हैं तो मेहमान भगवान की तरह होते हैं और उनकी सेवा करनी चाहिए, पुण्य मिलता है। तुमसे तो होगा नहीं, हम अपनी सेवा खुद ही करते हैं। भोग का प्रसाद पहले से ही किसने बना दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? क्या बदतमीजी है ये? इस आदमी ने मेरे कमर पर हाथ डाला। अरे भैया, अरे भैया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।